वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में क्लास 9 के सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में चैप्टर नंबर 1 की चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जैसे चूँकि हम लोग विज्ञान की स्टडी कर रहे हैं, विज्ञान में एक ब्रांच फिजिक्स यानी भौतिकी की स्टडी कर रहे हैं, तो पहला चैप्टर जो हमारा 9th क्लास का है, विज्ञान भौतिकी का मापन, यानी साइंस फिजिक्स एंड मेजरमेंट। ओके, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे विज्ञान किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, अगर संस्कृत भाषा में अगर हम बात करें, संस्कृत भाषा में इस शब्द का अर्थ विशेष ज्ञान होता है, ठीक है। संस्कृत भाषा में विज्ञान शब्द का जो अर्थ होता है, विज्ञान शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, विज्ञान शब्द का जो अर्थ वो क्या होता है, एक विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान होता है फ्रेंड्स, विशेष ज्ञान। ओके, और अंग्रेजी भाषा में अगर देखें, अंग्रेजी भाषा में इसे साइंस कहते हैं, विज्ञान की इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस, SCIENC। ओके, साइंस कहते हैं। और ये एक्चुअली मूलतः क्या है, ये एक लैटिन शब्द, एक लैटिन शब्द, लैटिन शब्द, लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया, SCIENTIA, लैटिन शब्द साइंटिया से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मीनिंग, जिसका मीनिंग होता है टू नो, TOKNOW, यानी जानना। ओके, और अगर इस पूरे मिला के अगर बात करें, इसकी डेफिनेशन अगर सही से दी जाए, तो इसकी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, मनुष्यों के अनुभव, मनुष्यों, मनुष्यों के अनुभव अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त कर्मबद्ध तथा विशिष्ट ज्ञान, क्यों कर्मबद्ध, मनुष्यों के अनुभवों अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त कर्मबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली अगर आप देखेंगे, अगर जो भी नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे अगर कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर कहाँ से आई, मनुष्य को अवलोकन हो, मनुष्य का अनुभव रहा होगा, उसमें एक्सपीरियंस रहा होगा। ओके, वो उन्होंने ऑब्जर्व तो करा होगा और उसका इस्तेमाल किया होगा इन तमाम चीज़ों को लेकर। उसके बाद कर्मबद्ध, एक सिस्टमेटिकली वे, कर्मबद्ध में सिस्टमेटिकली वे, और इसके विशिष्ट ज्ञान को, एक खास ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं सिंपल, या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, कर्मबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, कर्मबद्ध या विशिष्ट एवं कर्मबद्ध ज्ञान को, विशिष्ट एवं कर्मबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ओके, अब इसको इंग्लिश में आराम से लिख सकते, वेरी सिंपल है, स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिकल नॉलेज, स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज
is called science. Okay, now next. Now friends, next एक questions arise होता है कि ज्ञान और विज्ञान actually है क्या, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों एक दूसरे से भी correlate है, बहुत गहरा संबंध रखता है. तो यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ज्ञान एक्चुअली है क्या, नॉलेज जिसको कहते हैं, द फीलिंग ऑफ रियलिटी, जो सत्यता की जो अनुभव करना, जो रियलिटी के अनुभव जो करते हैं वो एक्चुअली वो ज्ञान होता है. और विज्ञान क्या है, विज्ञान विज्ञान है द सर्चिंग ऑफ रियलिटी. और एक्चुअली जितनी भी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी, जो नया नया जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कंप्यूटर हो गए या टेलीविजन हो गई या बल्ब, ये सब तमाम चीज़ें क्या है, द सर्चिंग ऑफ रियलिटी है. तो सर्चिंग ऑफ रियलिटी क्या हो गया, यानी विज्ञान, यानी सत्यता की खोज. तो लिख सकते हैं सत्यता की खोज. ओके, और यहां पर है सत्यता का अनुभव करना, सत्य की अनुभव करना, सत्यता का अनुभव. जैसे फ्रेंड्स, अगर सपोज मैं बल्ब की बात करूं, एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था, एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है, इस तरह से जो बल्ब रहती है, एडिशन ने बल्ब का आविष्कार किया था. तो ये जो बल्ब जलाने के बाद जो रोशनी होती है, जो हम फील करते हैं, यानी रियलिटी को फील कर रहे हैं, यानी रियलिटी को अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस, ठीक है, फील कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो ज्ञान हो गया. ओके, और एडिसन ने जो इस सत्य की खोज की थी, एडिसन ने इस सत्य को, यानी बल्ब को जो खोज की थी, उसे क्या कहते हैं, सत्यता की खोज. चूंकि एडिसन ने की ये सत्य की खोज की, तभी तो वो रोशनी, और जो रोशनी को जो फील कर रहे हैं, यानी फीलिंग ऑफ रियलिटी, जो सत्य की जो फील कर रहे हैं, वो क्या है, वो ज्ञान है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड विज्ञान. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे. नाउ फ्रेंड्स सी, अब हम लोग जो फ्रेंड्स, विज्ञान को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया, दो शाखाओं में बांटा गया है. पहली जो शाखा है वो साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग, यानी निर्जीव पदार्थों का विज्ञान. ओके, दूसरा है फ्रेंड्स, सजीव पदार्थों का विज्ञान. सजीव पदार्थों मीन्स साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी इसको एक और नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, फिजिकल साइंस. यानी साइंस की दो शाखाएं, साइंस को दो भागों में डिवीजन किया गया, डिवाइड किया गया. साइंस कैटेगराइज, साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट फ्रेंड्स फिजिकल साइंस, जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान, और इसी को कहते हैं साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग, जिसमें नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ेंगे. और इसको फ्रेंड्स कहते हैं साइंस ऑफ लिविंग थिंग, जिसमें लिविंग थिंग के बारे में, यानी सजीव पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे. और इसका एक और नाम है बायोलॉजिकल साइंस. ओके, यानी जिसमें जानदार चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, साइंस हैज टू टाइप्स, वन फिजिकल साइंस एंड द सेकंड बायोलॉजिकल साइंस. यानी एक भौतिक विज्ञान, जिसमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा है सजीव साइंस, जिसमें सजीव के बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे निर्जीव पदार्थों का विज्ञान क्या है. निर्जीव पदार्थों का विज्ञान, निर्जीव पदार्थों का विज्ञान, इसको फ्रेंड्स, इसको हम कह सकते हैं फिजिकल साइंस भी कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान, जिसमें फ्रेंड्स मरी हुई चीजों के बारे में, यानी जिसमें जानदार चीजें नहीं होगी. ओके, अब यहाँ फ्रेंड इसे एक्चुअली कहते हैं क्या है, निर्जीव पदार्थों का विज्ञान वो विज्ञान कहलाता है जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत निर्जीव चीजों का अध्ययन किया जाता है. ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेंड्स, जैसे की बात अगर करें, जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे फिजिक्स देख लीजिए, भौतिक विज्ञान
आप अगर कहें आप ज्योग्राफी देख लीजिए, भूगोल, उसके बाद केमिस्ट्री देख लीजिए फ्रेंड्स, रसायन शास्त्र, जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, आदि। ये तमाम चीज़ें जो है वो निर्जीव पदार्थों के अंतर्गत आती हैं, और हम इन तमाम चीज़ों को निर्जीव पदार्थों को विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। ओके, उसी तरीके से सिमिलरली अब हम कह सकते हैं एस्ट्रोनॉट भी आता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सजीव पदार्थों का विज्ञान। ओके, सजीव पदार्थों का विज्ञान यानी इसको कह सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस। ओके, इंग्लिश में कह सकते हैं, इसका इंग्लिश में मैंने लिख दिया, इसका भी इंग्लिश बायोलॉजिकल साइंस, इंग्लिश तो लिखा हुआ ना। अब इसमें जिसके अंतर्गत, सिंपल है, जिसके अंतर्गत सजीव सजीव पदार्थों मतलब जानदार चीज़ें, जानदार चीज़ें सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जैसे में फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं वनस्पति शास्त्र, जिसको कहते हैं बायोलॉजी हिंदी में, वनस्पति शास्त्र, इंग्लिश में आप इसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं इसे बायोलॉजी, और जंतु शास्त्र जूलॉजी, दूसरा ZOOLOGY, इसको कहते हैं जंतु शास्त्र। ठीक है, इसे कहते हैं फ्रेंड्स बायोलॉजी, और इसे कहते हैं जूलॉजी मतलब जंतु शास्त्र आदि। ओके, आई होप फ्रेंड्स यू विल अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते। अब हम लोग आएंगे अपने सब्जेक्ट की तरफ, भौतिकी किसे कहते हैं यानी फिजिक्स किसे कहते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स भौतिकी शब्द जो है ग्रीक भाषा, वो GREE के ग्रीक लैंग्वेज भाषा, ग्रीक भाषा आप कहें ये इस तरह से इससे आया। ओके, ये फाई है, ये वी डैश है, ये इसको कहेंगे डेल्टा है, ये लेस देन के जैसा साइन है से बना है, जिसका उच्चारण जो होता है फ्यूसिस, यानी आप कह सकते हैं, कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि भौतिक यानी फिजिक्स इज द वर्ड फिजिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस। ओके, किससे लिया गया, फ्यूसिस से, एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, जिसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स नेचर, जिसका मतलब क्या होता है मीनिंग नेचर, NATURE, नेचर के मतलब फ्रेंड्स प्रकृति, प्रकृति। यानी फ्रेंड्स अब जो फिजिक्स में जो हम अध्ययन करेंगे वो प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी नेचर के बारे में अध्ययन करें, जो भी नेचुरल फेनोमिना है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब इसको एक मुकम्मल डेफिनेशन यहाँ पर लिखते हैं फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। ओके, भौतिकी विज्ञान की वो शाखा है, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति तथा
परकीर्ति के नियमों का अध्ययन करते हैं। ओके, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ओके, जैसे फ्रेंड्स एक एग्जांपल अगर मैं पेश करूं, सपोज एक एग्जांपल मैं पेश करूं, जैसे मैं कोई भी चीज़ें अगर मैं सपोज ये मार्कर है, ओके, ये मार्कर को मैं यूं अगर ड्रॉप करता हूं, ये छोड़ दिया मैंने, तो मार्कर हमेशा ये नीचे जा रही है, ठीक है। अब न्यूटन ने बताया फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ें अगर नीचे की ओर गिर रही हैं, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है फ्रेंड्स, ये किसी इंसान ने नहीं क्रिएट किया, बल्कि ये गॉड लॉर्ड क्रिएटर ने, ये भगवान ने ये पहले से एग्जिस्टेंस में रखा यूनिवर्स में। ओके, तो ये प्राकृतिक नेचर है। ये क्या है? ये प्राकृतिक है, ये रूल है, एक लॉ है, एक लॉ है, एक नियम है, जो कोई भी चीज़ें हमेशा नीचे की तरफ खींचती चली जाती है। यानी न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन ने कहा था कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सेंटर पे एक कोई फोर्स है जो हमा वक्त लगता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस फोर्स के कारण नीचे की ओर जा रहा। तो एक्चुअली ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, या फिर जितने भी इलेक्ट्रिक हैं, जैसे बल्ब क्यों जलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तमाम चीज़ें, ये एक्चुअली इसका कुछ रीज़न है। जैसे कोई भी चीज़ जो बनी है वो एटम से मिलकर बनी है, और एटम है फ्रेंड्स न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव करने के लिए अग्रसर रहते हैं। ओके, वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव के कारण वो क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। तो एक एक नेचर फेनोमेना है, ये नेचुरल है, ये किसी इंसानों ने क्रिएट नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन को बनाया हो किसी ने, ये एक्चुअली उस वायर में पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इसके नियमों के बारे में जानते हैं, डैट मीन्स प्रकृति के नियमों के बारे में जानते हैं। ओके, और उनसे बनी हुई चीज़ों के बारे में उस पर चर्चा करते हैं और इसके अंदर अध्ययन करते हैं, प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों के बारे में उसके अध्ययन करते हैं, और जो भौतिकी विज्ञान कहलाता है, यानी फिजिक्स कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ फ्रेंड्स सी, भौतिक राशियाँ एक्चुअली क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ जिसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जिन पदों में किसी भौतिक, यानी किसी भी टर्म में किसी भौतिक गुण या भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। ये भौतिक राशियाँ कहा जाती हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। इसके एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सिंपल लंबाई लिख सकते हैं, द्रव्यमान लिख सकते हैं, लंबाई, द्रव्यमान लिख सकते हैं, ऊर्जा लिख सकते हैं, शक्ति लिख सकते हैं, ओके, कार्य लिख सकते हैं आदि। जिन पदों को किसी भौतिक गुण या भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है, ये लंबाई, ये द्रव्यमान, ये सब सारी क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है, ये फिजिकल राशियां हैं। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, भौतिक राशियां हैं। अब यहाँ भौतिक राशियां भी एक होती है, एक मूल भौतिक राशियां होती हैं, ओके, मूल राशियां होती हैं, या फिर डिराइव भौतिक राशियां, या व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं। ओके, मूल जो जो पहले से मौजूद था। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट, भौतिक राशियां भी दो तरह की होती है फ्रेंड्स, पहले मूल भौतिक राशि और दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि को आधारी राशि भी कहते हैं, ओके, और व्युत्पन्न भौतिक राशि को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश में कहा जाता है। अब इन दोनों के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, और इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।